कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय पर से आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। कल हमने देखा 15वें अध्याय के कुछ आखिरी श्लोकों में किस प्रकार से भगवान जो हैं वो जस्ट आते हैं चतुष्कुमारों द्वारा श्राप दिए जाने के बाद, और चतुष्कुमार जो हैं वो भगवान को देखकर नतमस्तक होते हैं, भगवान की सुंदरता का वर्णन है। और आज से ये 16वें अध्याय की श्रृंखला शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं विथ मंगलाचरण प्रेयर्स। ओम अज्ञान तिमिरंध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांदिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक क्रमांक 1 चैप्टर 16। तो 16वें अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के 16वें अध्याय के शीर्षक में हमें क्या दिखता है। 2 से 12 श्लोकों में भगवान जो हैं वो चतुष्कुमारों से क्षमा याचना करते हैं। 13 से लेकर 15 श्लोकों तक कुमारों ने क्यों इस प्रकार से श्राप दिया, कुमारों की क्या स्थिति है, इसकी भी वर्णन आता है। श्लोक क्रमांक 16 से 25 तक चतुष्कुमार भगवान नारायण को क्या उत्तर देते हैं, इसका वर्णन है। श्लोक क्रमांक 26 से 32 तक किस प्रकार से चतुष्कुमार और आप स्वाभाविकतः आपको कोई श्राप देगा या आप किसी को श्राप देंगे तो जो श्राप लेने वाला है वो दुखी होगा और जो श्राप देने वाला है वो क्रोधित होगा, तो दोनों के बीच में भगवान समन्वय करते हैं, लॉर्ड रिकनसाइल्स द सिचुएशन। और 33 से 37 तक ब्रह्मा जी इस पूरी लीला को समापन करते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय ये बटा हुआ है। सो द लॉर्ड अपोलोजाइजेस टू द कुमारस। हम देखते हैं भगवान क्या करते हैं, चतुष्कुमारों से क्षमा याचना करते हैं। और ये वर्णन कौन कर रहा है, ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 1,
ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुंठ निलयो विभुः. लॉर्ड ब्रह्मा सेड, आफ्टर दिस कांग्रेचुलेटिंग द सेजेस फॉर देयर नाइस वर्ड्स, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हुज अबोड इज द किंगडम ऑफ गॉड स्पोक एज फॉलोज. तो भगवान जो हैं वो हम देखते हैं, भगवान का गुणानुवर्णन हुआ है, उनकी सुंदरता का वर्णन हुआ है चतुष्कुमारों के द्वारा. तो चतुष्कुमारों की इस गुणानुवर्णन पे प्रसन्न होकर भगवान उन्हें थैंक यू बोलते हैं. सो ही सेज थैंक यू टू द चतुष्कुमारस. श्री भगवानुवाच एतौ तौ पापरदौ मह्यम् एतौ तौ पार्षदो मह्यम् जयो विजय एव च कदर्थीकृत्य मां यद्वो बह्वक्रातामतिक्रमम्. द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड, दीज अटेंडेंट्स ऑफ माइन जय एंड विजय बाय नेम हैव कमिटेड अ ग्रेट ऑफेंस अगेंस्ट यू बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग मी. भगवान कहते हैं अरे आपके चरण कमलों के प्रति एक बहुत बड़ा महान अपराध हुआ है. क्यों? बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग मी. ये कैसे? प्रभुपाद जी बताते हैं, टू कमिट एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज अ ग्रेट रॉन्ग. इवन व्हेन अ लिविंग एंटिटी इज प्रमोटेड टू वैकुंठ देयर इज स्टिल द चांस दैट ही मे कमिट ऑफेंसेस. बट द डिफरेंस इज दैट व्हेन वन इज इन अ वैकुंठ प्लैनेट, even if by chance one commits an offense, he is protected by the Lord. So hum jab bhagwan ki seva mein sanlagna hai, humse bhul chuk ho sakti hai, aur ye hum dekhte hain yahan par bhi hota hai, ye vaikunth mein bhi ho sakta hai. To hum jab kuch bhi bhagwan ke liye karte hain, ye sari cheeze fir kaise aati hain, ye akarma ki shrinkhala mein aati hain, jahan bhagwan swayam ek jeev ka He takes charge or control of a devotee. जब एक जीव अपने जीवन के ऊपर स्वामित्व छोड़ देता है, तब भगवान उसके जीवन के ऊपर स्वामित्व लेते हैं. जब तक जीव अपने आप से स्वयं को स्वामी मानकर यहां से वहां से, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषयेर भांड. अपने आप को फ्रॉम अ मटीरियल पर्सपेक्टिव ऊपर उठाने के लिए कर्मकांड करता है, कर्मकांड से थक जाता है तो भगवान को इंटेलेक्चुअली जानने का प्रयास करता है ज्ञान कांड. तो कर्मकांड ज्ञान कांड सकल विषयेर भांड. अमृत बोली जेबा खाए, जब कोई व्यक्ति इसे अमृत समझकर मानकर पीता है, नाना योनि भ्रमण करे कदर्य भक्षण करे तार जन्म अधः पते याए. क्या करता है वो? केवल नाना योनि भ्रमण करता रहता है, हर एक माँ के गर्भ में जाता रहता है, हर एक माँ के गर्भ में जाता रहता है. नाना योनि भ्रमण करे कदर्य भक्षण करे. कदर्य यानी जो लेने योग्य नहीं है. हम देखते हैं मधुमक्खी कुत्ता जो रास्ते पर घूमते हैं, सुअर क्या खाते हैं? कदर्य भक्षण. हमें जिसमें बिल्कुल गति नहीं है उसमें उनको बहुत गति है, उसमें उन्हें आनंद आता है. जहां पर भी गंदगी दिखती है मक्खी तुरंत वहां जाके बैठ जाती है, तो उसके हृदय का कंडीशनिंग कैसा होगा सोचिए. सो नाना योनि भ्रमण करे कदर्य भक्षण करे तार जन्म अधः पथे आए. तब वो अपने जीवन मार्ग से पथित हो जाता है, दुखित हो जाता है. सो बाय मिस्टेक द डोरमैन हेल्ड द सेजेस फ्रॉम एंटरिंग वैकुंठ लोका, बट बिकॉज दे वर एंगेज्ड इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड देयर एनिहिलेशन वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय एडवांस्ड डिवोटीज. सो क्योंकि भगवान की सेवा में संलग्न थे इसीलिए क्या हुआ,
दे वर प्रोटेक्टेड बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो चतुष्कुमार हैं वो भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्हें भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं मिला। क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं मिला था इसलिए वो गुस्सा थे। तो क्योंकि उनके भक्तों को उनके चरण कमलों का दर्शन नहीं मिला है इसीलिए भगवान क्या करते हैं, स्वयं वहां जाकर उन्हें दर्शन देने का निश्चय करते हैं। इसीलिए भगवान वहां पर गए। तो हम देखते हैं कि भगवान के नजर में उनके भक्तों की कितनी महिमा है। जहां पर भी अगर भगवान के भक्त नहीं पहुंच सकते तो भगवान स्वयं जाते हैं। कृष्णा लव्स हिज डिवोटी सो मच, कृष्णा पर्सनली गोस। यस, प्रभुपाद जी यहाँ पे हरिदास ठाकुर का जीवन का एग्जाम्पल कोट करते हैं कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर जो थे यवन परिवार में जन्म लेने के कारण वो भगवान के मंदिर में जगन्नाथपुरी में जा नहीं सकते थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर को रोज दर्शन के देने के लिए स्वयं गंभीरा से सिद्ध बकुल आते थे। सो दिस इज हाउ मच लॉर्ड लव्स हिज डिवोटीज। व्हेन समबडी गिव्स अप एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड ही बिकम्स वेरी वेरी डियर टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो हरिदास ठाकुर एक मोहम्मदीन परिवार से थे और वो जब नहीं जा पा रहे थे तो भगवान स्वयं उनको सिद्ध बकुल में अपना दर्शन और भगवान का महाप्रसाद देने के लिए आते थे। सो मच कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज। सो यहाँ पे चतुष्कुमार अंदर नहीं जा पाए, भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं ले पाए, तो भगवान स्वयं बाहर आए हैं। श्लोक क्रमांक 3, यस्त्वेतयो धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्। ओ ग्रेट सेजेस, आई अप्रूव ऑफ द पनिशमेंट दैट You who are devoted to me have meted out to them. तो भगवान के दो भक्तों के बीच में किस प्रकार से संवाद हो रहा है देखिए। एक भक्त ने दूसरे भक्त को श्राप दिया है। The Chatushkumaras have cursed Jay and Vijay. और भगवान कहते बहुत अच्छा, आपने जो भी किया उत्तम किया। So Krishna, when a devotee does something, Krishna is always there to protect. अब चतुष्कुमारों को तो भगवान ने क्षमा कर दिया, अब जय विजय को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। श्लोक क्रमांक 4, तद्वह प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म दैवं परम हि मे तद्धि त्यात्मकृतं मन्ये यस्त्वपुंभिरसात्कृताः। I consider this an offense by myself, therefore I seek forgiveness. भगवान कहते हैं, To me, the Brahmana is the highest and most beloved personality. The disrespect shown by my attendants has actually been displayed by me because the doormen are my servitors. I take this to be an offense by myself. Therefore, I seek your forgiveness for the incident that has arisen. Bhagavan कहते हैं, अरे ये मेरे सेवक हैं, इन्होंने आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, तो ये मेरे ही द्वारा किया हुआ अपराध हो गया, इसीलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। तो हम देखते हैं भगवान किस प्रकार से, हाउ मच ही सेंसिटिव टू व्हाट इज हैपनिंग। सो कृष्णा इज सो सेंसिटिव, भगवान आते हैं कहते हैं, अरे
मेरे भक्तों के द्वारा किया गया अपराध मैं पूर्ण क्रेडिट लेता हूं, इट इज एज इफ आई हैव डन। तो अगर हम भगवान की सेवा में चूक भी जाते हैं, अगर हम भगवान की सेवा में कहीं पर गलती भी करते हैं, कृष्णा टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द सेम कंसेप्ट ऑफ अकर्म कंटिन्यूज अहेड, अकर्म का जो सिद्धांत है यहाँ पे बहुत आगे चल के आ रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, अ सो कॉल्ड ब्राह्मणा हु इज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ अ ब्राह्मणस बट परफॉर्म्स एक्टिविटीज एम्स्ड अगेंस्ट वैष्णवस cannot be accepted as a brahmana, because a brahman means a vaishnava and a vaishnava means a brahmana. Kaun brahman hai? Brahma janati iti brahmana, jo brahma ko janta hai, one who knows a spiritual subject matter, he is a brahmana. Yes, so not only by birth but by education and by acharan one should become a brahmana. तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट द ग्लोरीज ऑफ द ब्राह्मणस आर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो भगवान अपने भक्तों के महानता को यहाँ स्वयं इंगित कर रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 5 से आगे यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्यकृतागसि सुसाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वच मिवामयः। अ रॉन्ग एक्ट कमिटेड बाय अ सर्वेंट लीड्स पीपल इन जनरल टू ब्लेम हिज मास्टर, जस्ट एज अ स्पॉट ऑफ व्हाइट लेप्रसी ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी पॉल्यूट्स ऑल ऑफ द स्किन। हम देखते हैं स्वामी के सेवक के द्वारा किया गया कार्य, जब कोई बच्चा गलती करता है तो माता पिता बोलते ना, अरे तुमने तो हमारी इज्जत शोहरत मिट्टी में मिला दी। सो ऐसा क्यों? अरे बच्चे ने किया। लेकिन बच्चे ने किया तो नाम किसका गया? अरे ये देखो इस फलाने फलाने के बेटे ने ऐसा किया। वैसे ही हम भक्त हैं, हम भगवान के नाम का तिलक लेके चलते हैं, हम कंठी माला लेके चलते हैं, हम जप करते हैं, और हम अगर कोई पाप कृत्य करते हैं तो वो नाम किसका आता? अरे ये देखो, हमने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया होगा, लोग बोलते हैं अरे आप जपमाला करते हो और आप ऐसा करते हो, हा? आप भगवान के भक्त हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? सो एसेंस इज कि जहां पर भी हम भक्त के रूप में गलती करेंगे तो वहां पे भगवान का भी नाम खराब होगा और भगवान भी ऐसे ही देखते हैं। If anything wrong done by my devotees, it is actually wrong done by me. So as Vaishnavas, we should be so very cautious and careful what we are doing, where we are doing, how we are doing. Shlok Kramank 6 se hum dekhte hain ki Bhagwan apne bhakt की लीलाओं का वर्णन करते हैं। हाउ मच कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज। श्लोक क्रमांक 6, यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाह सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः सोहं भवद्भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्धाम स्वबाहुम पिवह प्रतिकूल वृत्तिम। एनीवन इन द एंटायर वर्ल्ड, इवन डाउन टू द चांडाला हु लिव्स बाय कुकिंग एंड ईटिंग द फ्लेश ऑफ द डॉग इज इमीडिएटली प्यूरिफाइड इफ ही टेक्स बाथ इन हियरिंग थ्रू द ईयर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ माय नेम फेम एक्सेट्रा। Now you have realized me without doubt. Therefore, I will not hesitate to lop off my own arm if its conduct is found hostile to you. भगवान कहते हैं
कि कोई भी अगर मेरे नाम का गुणानुवर्णन करता है और सुनता है, यस, ही इज इमीडिएटली प्यूरिफाइड, तुरंत शुद्ध हो जाए। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नाउ यू हैव रियलाइज्ड मी विदाउट डाउट, तो आपने मेरा दर्शन पा करके अपना और मेरा दोनों का साक्षात्कार किया है। अगर आप चाहते हैं कि रे इन लोगों ने हमारे प्रति अपराध किया है, कि जय विजय ने कहा था ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं ये, तो मेरे सेवकों द्वारा उठाया गया हाथ, इट इज एज गुड एज माई हाथ, मेरा हाथ उठने के बराबर है। तो आप अगर क्रोधित हैं तो मैं अपना हाथ स्वयं काट के आपके चरणों में दे सकता हूं। See how much Krishna loves his devotees. What value Krishna has for his devotees in his heart. क्यों है ये? क्योंकि अब भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं. They give up everything just for the pleasure of the Supreme Personality of Godhead. And this sense of giving up is so very dear to the Lord. जब भगवान की सेवा के लिए एक जीव अपना सर्वस्व त्याग करता है, वो त्याग भगवान को इतना प्रिय है, कृष्णा बिकम्स सबसर्वियंट टू दैट डिवोटी। सो ये जो त्याग का मार्ग है, जहां पे एक जीव अपना स्वामित्व छोड़ करके भगवान को अपना स्वामी मानता है, और इसमें नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यमायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः। इसमें कोई दोराहा नहीं है, देयर इज नो लॉस, देयर इज नो डिमिनिशन, लेकिन द सेंस ऑफ वांटिंग टू प्लीज, जब एक भगवान देखते हैं कि ये जीव मेरे पास आने के लिए इतना कुछ त्याग करने के लिए रेडी है, दैट सेंस ऑफ त्याग इटसेल्फ pleases Krishna very very abundantly. भगवान को वो त्याग अत्यंत प्रिय है। और यहाँ हम देखते हैं जय और विजय के प्रति भगवान कितने सहानुभूतिशील हैं, और चतुष्कुमारों के प्रति कितना ज्यादा गौरव है उन्हें। तो कहते हैं अरे मेरे सेवकों ने आपके ऊपर हाथ उठाया था, एज इफ मेरा ही हाथ उठा था, तो आप चाहो तो मैं अपना हाथ काट के आपको दे दूं। श्लोक क्रमांक 7, भगवान कहते हैं बिकॉज ऑफ माई सर्विस टू डिवोटीज लाइक यू, डस्ट ऑफ माई फीट इमीडिएटली वाइप्स आउट ऑल सिंस एंड लक्ष्मी डजंट लीव मी। आपके जैसे भक्तों की सेवा जब मैं करता हूं, तभी मेरी चरण धूल इतनी पवित्र हो जाती है कि लक्ष्मी भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती। दिस इज हाउ, एंड दिस इज, ये भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे, ये भगवान बस हम जैसे प्रभु कभी किसी को मिलते हैं, प्रभु जी हरे कृष्णा कैसे हैं आप, इसमें से कितना हृदय से होता है और कितना मुख से होता है ये हम सभी जानते हैं, है कि नहीं? सब केवल यहां से होता है, यहां से कुछ नहीं है। लेकिन भगवान जब अपने भक्तों से कहते हैं तो यहां से आता है, क्योंकि कृष्ण के अंदर द्वंद्व है ही नहीं। Krishna has only heart, Krishna has only love. So whatever Krishna speaks is only because of love. His, वो जब अपने भक्त को दंड देते हैं, वो दंड भी प्रेम ही है। अपने भक्त की स्तुति करते हैं, वो भी प्रेम ही है। ये सब रस आस्वादन है। Krishna really loves his devotees. Beyond what we can imagine. Why? Because of one quality. Yes. He sadhunam hridayam mahiyam sadhunam hridayam duham tesha madanya na janati. Woh mujhe chodkar aur kisi cheez ko jante hi nahi hai. Naham teshu managapi. Isiliye main bhi unke man ko chodkar aur kuch nahi janta. I can give up all the three worlds just to be in the heart of a sadhu.
That is how much a devotee is dear to Krishna. So, भगवान कहते हैं यत सेवया चरण पा यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् न श्रीर्विरक्तिमपिमां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति. Because I am the servitor of my devotees, my lotus feet have become so sacred that they immediately wipe out all the sins. And I have acquired such a disposition that the goddess of fortune does not leave me. Even though I have no attachment for her and other praises her beauty and observe sacred vows to secure her even a slight favor. Sampurna jagat lakshmi ke ek kripa kataksha ko prapt karne ke liye lalait hai. Main lakshmi se kuch khas vishesh prem nahi karta. Lekin phir bhi lakshmi mere charan kamalon ko chhodkar nahi jana chahti. क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं. इफ द लॉर्ड सेज कि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं, इसीलिए मेरे अंदर ये गुण है कि मेरी चरण रेणु संपूर्ण त्रिजगतों के पापों का नाश कर सकती है. तो हमें भगवान के भक्तों की सेवा में कितना ज्यादा समर्पित होना चाहिए. हाउ मच वी शुड बी एंशियस टू एक्चुअली सर्व द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. इफ भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा के कारण ही मेरे अंदर ये गुण है, तो हमें कितना भगवान के भक्तों की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए कि जिसके कारण लक्ष्मी देवी भी भगवान कहते हैं मेरे चरण कमलों को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते. खासकर मेरे भक्त मुझे क्यों इतने प्रिय हैं, उनके ही मुखारविंद से मैं उच्चिष्ठ ग्रहण करता हूं. भगवान कहते हैं नाहम तथादि नाहम तथादि यजमान हवीर्विताने श्चोदध धृत प्लुत मदन हुत भुंग शुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखस्तश्चरतो नुघासं तुष्टस्य मय्यवहितै निजकर्मपाकै. I do not enjoy the oblations offered by the sacrifices in the sacrificial fire, which is one of my own mouths, with the same relish as I do the delicacies overflowing with ghee, which are offered to the mouths of the Brahmanas, who have dedicated to me the results of their activities and who are ever satisfied with my prasad. So Bhagavan kehte hain, I do not enjoy the oblations offered by sacrifices in sacrificial fire, which is one of my own mouths. Jab bhi koi yagya ki agni mein kuch ahuti arpan karta hai, usse mujhe itna achha nahi lagta. लेकिन अगर कोई ब्राह्मणों को, अगर कोई भगवान मेरे भक्तों को सुस्वादु प्रसाद भक्षण कराता है, उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं. आई रियली रिलिश. सो वी सी भगवान ही सो वेरी कॉशियस कि व्हाट ही लाइक्स. हम भगवान को अर्पण करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों को अर्पण करना. When we serve devotees through devotees' mouth, Lord honors everything. तो जब भगवान के भक्त जो हैं, वो भगवत प्रसाद खा के तृप्त होते हैं, उससे भगवान को बहुत आनंद मिलता है. Actually, Krishna enjoys that. When his devotees, इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति की शुरुआत कहां से होती है. भक्ति की शुरुआत जिह्वा से होती है.
हम क्या करते हैं, भगवत नाम लेते हैं, भगवत प्रसाद खाते हैं। भौतिक जगत की शुरुआत कहां से होती है, आंखों से होती है। मुख्यतः काम क्रोध और लोभ ये आंखों से ही चालू होता है। आध्यात्मिक जीवन कहां से चालू होता है, मुख से चालू होता है। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत या भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना में कितना अंतर है, चार उंगलियों का अंतर है, तीन उंगलियों का अंतर है, इन वन सेंस चार भी नहीं, या ऐसे करे तो चार उंगली। आंखों से लेके मुख तक जो अंतर है उतना अंतर है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। आंखें हैं भौतिक जगत, एज यू सी इज वॉट यू बिलीव, और जिह्वा है आध्यात्मिक जगत। यस, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यम इंद्रियैः, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, आदौ सेव उन्मुखः, कैसे, जिह्वा से स्वयमेव स्फुरत्यतः। तो जब हम जिह्वा से ये दो कार्य करेंगे, वी टेस्ट एंड वी रिपीट कृष्णास नेम, स्वयमेव स्फुरत्यतः, स्वयं स्फुरण से भगवत कीर्ति, भगवत प्रकाश, भगवत भक्ति हमारे हृदय में प्रज्वलित होती जाएगी। श्लोक क्रमांक 9, भगवान कहते हैं, इफ आई टेक द डस्ट ऑफ ब्राह्मणास, इफ आई टेक द डस्ट ऑफ ब्राह्मणास ऑन माई हेड, हु विल रिफ्यूज टू डू द सेम। मैं अपने जीवन में अपने आप को ब्राह्मणों की या मेरे भक्तों की धूल लेकर के पवित्र मानता हूं, कौन दूसरा है जो उस धूल को नहीं लेगा। श्लोक क्रमांक 9, येषां विभर्म्य हमखंड विखुंठ योग माया विभूतिरमलांग्रि रजह किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेद् यदर्हणाम्भः सद्यः भुनाति सह चंद्र ललाम लोकान्। I am the master of my unobstructed internal energy, and the water of the Ganges is the remnant left after my feet are washed. That water sanctifies the three worlds along with Lord Shiva, who bears it on his head. If I can take the dust of the lotus feet of Vaishnavas on my head, who will refuse to do the same? So, main to swayam योग और महा दोनों मायाओं का स्वामी हूं, और मेरे चरण कमलों से जो जल आता है वो है गंगा। इस गंगा को शिवजी अपने माथे पर धारण करते हैं, लेकिन मैं अपने माथे पर किसे धारण करता हूं? मैं अपने माथे पर मेरे भक्तों की धूल को अर्पण ग्रहण करता हूं। This is how much I love my devotees. Nishkinchanasya bhagavat bhajanon mukhasya. तो जो निष्किंचन हो गया है, जिसे अपने जीवन में भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, निष्किंचनस्य भगवन भजन उन्मुखस्य, one who is trying to worship the supreme personality of Godhead, one who is trying to do bhajan, कृष्णा रियली कंसिडर्स हिम एज गुड एज हिमसेल्फ। भगवान उस जीव को अपने बराबर ही मानते हैं, दैट मच कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज। श्लोक क्रमांक 10, भगवान बताते हैं कि कौन व्यक्ति है जो मुझे पसंद नहीं आते। यस, श्लोक क्रमांक 10,
ये मे तनुर्द्विजवरान्दुहतिर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृक्षो ह्यहीमन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनीतुः. The brahmanas, the cows, and the defenseless creatures are my own body. Those whose faculty of judgment has been impaired by their own sin, look upon these as distinct from me. They are just like furious serpents, and they are angrily torn apart by the bills of vulture-like messengers of Yamaraj, the superintendent of sinful persons. Prabhupada ji kehte hain, the defenseless creatures according to Brahma Samhita are cows, brahmanas, women, children and old men. Of these five, the brahmanas and cows are especially mentioned. Hum dekhte hain, namo brahmanya devaya go brahman hitaya cha jagad hitaya krishnaya govindaya namo namaha. So who are defenseless creatures? Cows, brahmanas, women, children and old men. इनके प्रति जो अपराध करता है, इनके साथ जो दुर्व्यवहार करता है, उसे जघन्य कृत्यों का सामना करना पड़ेगा. It just doesn't work like this. हम कुछ भी करके कर्मों की श्रृंखला, कर्मों के सिद्धांत को हमें जानना होगा. हम कुछ भी करके तर जा सकते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सबलाइन, कर्मों की श्रृंखला इज वेरी सबलाइन. इसलिए हम देखते हैं कि अकर्म की जो व्याख्या है, केवल भगवत को, भगवत चेतना को वृद्धिंगत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाए वो अकर्म है. और यहां पर किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अहंकार बीच में आ गया तो कर्मों की श्रृंखला फिर से चालू हो जाती है. कृष्णा कीप्स गिविंग अस ऑप्शंस, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस दैट वी चूज, कृष्णा फर्दर कैलकुलेट्स द पाथ ऑफ अवर प्रोग्रेस. किसी भी अवस्था में भगवान हमारे सामने ऑप्शंस रखते हैं और भगवान देखते हैं कि ये बंदा कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा है. जो ऑप्शन वो बंदा, वो भक्त या वो व्यक्ति चूज करेगा, उसके हिसाब से उसके आगे के शुद्धिकरण की प्रक्रिया भगवान सोच करके रख देते हैं. सो द एंटायर मटीरियल वर्ल्ड इज एम एट ओनली वन गोल, प्यूरिफिकेशन. अभयम सत्व संशुद्धि ही. जब तक सत्व संशुद्धि नहीं हो जाती तब तक ये भौतिक जगत हमें पीसता रहेगा. जैसे हम देखते हैं कि हम जब क्या करते हैं, इक्खू रस, गन्ने का रस, गन्ने के रस के गाड़े पे जाते हैं तो गन्ने के वो दोनों व्हील्स में से गन्ना निकलता है. एक बार निकलने पर हो गया क्या? नहीं, उसमें से लास्ट ड्रॉप जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो गन्ना अंदर से घिसता रहेगा. और हम देखेंगे पहले पहले गन्ना मस्त जूस देता है, धीरे धीरे जूस निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उसको फोल्ड करके, ट्विस्ट करके फिर गन्ना आगे मानने को तैयार नहीं है, वो गन्ने वाला उसको अंदर ढकेलता है, निकल यहां से. उसी प्रकार भगवान हमें भी पहले पहले निकालते हैं. तो इनिशियल जो शुद्धि की प्रक्रिया है बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे शुद्धि परिपक्व होती जाती है, क्योंकि जीव अपनी शुद्धि की क्रिया को रेजिस्ट करता है, भगवान को हमें मोड़ना पड़ता है, ट्विस्ट करना पड़ता है, शुद्धि की प्रक्रिया में से पूरा घुसाना पड़ता है. जब तक आखिरी अहंकार का ड्रॉप नहीं निकलेगा
भौतिक प्रकृति हमें क्या करती रहेगी, निकालती रहेगी, निचोड़ती रहेगी। इसीलिए भगवत भक्त बनना कितना श्रेयस्कर है, देखिए। यस, व्हाट इज नॉट अवेलेबल टू अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे असा सर्वभूमंडली कोण आहे। किसके अंदर हिम्मत है जो भगवान के भक्त को तिरछी आंखों से देखे? माया भी कुछ नहीं कर सकती। ये तो भगवान है जो समय समय पर हमारे हृदय में आकर के हमारे विचारों का मंथन करके, हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां डाल करके हमारे भावनाओं को बढ़ाते रहते हैं। कृष्णा क्रीप्स क्रिएटिंग अ स्टॉर्म विद इन अ डिवोटीज हार्ट जस्ट सो दैट द डिवोटी कैन क्राई आउट फॉर द मर्सी ऑफ कृष्णा। माया हैज नो पावर टू टच अ डिवोटी, माया हैज नो पावर टू टच अ डिवोटी, प्रोवाइडेड द डिवोटी रिमेन्स निष्किंचनस्य भज भगवत भजन उन्मुखस्य। व्हेन वी आर निष्किंचन एंड भगवत भजन उन्मुख, देन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ कृष्णा। जब तक हम इस स्थिति से अडिग नहीं होते, तब तक हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर है। As soon as a living entity generates स्वामित्व भाव, तुरंत माया तारे झपटिया धरी, माया महामाया का रूप ले लेती है। So, कौन है जो मुझे अत्यंत प्रिय है? श्लोक क्रमांक 11, ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्त स्तुष्यद्धृतः स्मितसुधोक्षित पद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात्मजव गृणन्तः संबोधयन्त्यहमिवाह मुपाहृतस्तैः। On the other hand, they captivate my heart who are gladdened in heart and who their lotus faces enlightened by nectarine smiles respect the brahmanas. Even though the brahmanas utter harsh words, they look upon the brahmanas as my own self and pacify them by praising them with loving words. Even as a son would appease an angry father, as I am pacifying you. तो भगवान के भक्तों को देख करके जो हर्षित होते हैं, इसलिए हम देखते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं हरि भक्ति विलास में कि एक वैष्णव को देख करके प्रसन्न न होना ये भी अपराध है। अब क्या हम ऐसी परिस्थिति में है कि हम सभी भक्तों को देखकर प्रसन्न होते हैं? नहीं, जब भी हम किसी को देखते हैं, भौतिक जगत बना ही ऐसा है कि उसकी खामियां सबसे पहले नजर आती हैं। तो आंतरिक रूप से क्यों ना हो, लेकिन बाह्य रूप से तो हमें हर किसी को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। बिकॉज इट इज ही और शी इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वॉट एवर सेड एंड डन दे आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एंड कृष्णा हैज वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। भगवान के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा है, प्रेम है। तो हमारा और उनका जमता हो न जमता हो, उनका कांटेक्ट बहुत ऊपर है, इसलिए अच्छा है हम बच के रहें। हालांकि कभी भगवान के भक्त कुछ दुर्व्यवहार करें या कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो अपरिपक्व हो, फिर भी जिस प्रकार से एक बेटा अपने कुपित पिता को, क्रोधित पिता को शांत करता है, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए? भगवान के भक्तों को शांत करना चाहिए, उनके बोले हुए वचनों को बुरा नहीं मानना चाहिए। भगवान कहते हैं जस्ट लाइक आई एम सेटिस्फाइंग यू,
मैं अगर अपने भक्तों को सेटिस्फाई करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए आया हूं, भगवान अगर अपने भक्तों को पैसिफाई करने के लिए आते हैं, तो हमें कितना जरूरी है कि हम भक्त अगर हमारे ऊपर क्रोधित हो जाए तो उन्हें पैसिफाई करें। अ डिवोटी शुड नेवर बी एंग्री ऑन अस, अ डिवोटी शुड ऑलवेज बी अवर वेल विशर। इफ दैट इज द केस, एवरीथिंग इज टेकन केयर। सो भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 12 में, तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणो युष्मद् व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममांतिका कमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचरितो भृतयोर्विवासः। These servants of mine have transgressed against you, not knowing the mind of their master. I shall therefore deem it a favor done to me if you order that although reaping the fruit of their transgression, they may return to my presence soon and the time of their exile from my abode may expire before long. तो हालांकि मेरे भक्तों ने आपके प्रति अपराध किया है, लेकिन कृपया आप इतना उन पर अनुग्रह कीजिए कि उन्हें ज्यादा लंबा दंड मत दीजिए, जल्दी ही उन्हें मेरी सेवा में फिर से संलग्न होने दीजिए। सो सी, कृष्णा इज सो मर्सीफुल, ही इज बैलेंसिंग बोथ द साइड्स। चतुष्कुमारों को भी सांत्वन किया और यहाँ पे वो कहते हैं अरे जय विजय को नीचे जाना है, लेट इट बी अ टोकन प्लीज, पूरा भार मत दो। दे डोंट नो द ग्रेटनेस ऑफ अ डिवोटी, दे हैव ऑफेंडेड यू। आपके भक्तों, मेरे भक्तों की महिमा न जानते हुए उन्होंने मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया है, उनका दंड मिलने दो, लेकिन रियायत में, लेट देम नॉट बी टू मच टॉर्मेंटेड। दिस इज द सेम थिंग कृष्णा इज डूइंग विद एवरी वन ऑफ अस। भगवान माया से कहते हैं अरे मेरे भक्त हैं, कर्मों की श्रृंखला है तो क्या हुआ, थोड़ा रियायत में निकाल दो। यस, इफ यू विश ओ माया, प्लीज लेट माई डिवोटी नॉट सफर टू मच, ही इज माई डिवोटी, आई लव हिम। कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। भगवान अपने भक्तों से अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम करते हैं और यहाँ पे भगवान अपने दो प्रतिस्पर्धी, एक तरीके से प्रतिस्पर्धी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग वाले भक्तों के बीच में आकर देखिए किस प्रकार से सांत्वन भी कर रहे हैं और दूसरे का क्षमा भी मांग रहे हैं। सो कृष्णा यहाँ हम देखते हैं निरपेक्ष है, ही इज नॉट हियर ऑल्सो, ही इज नॉट हियर ऑल्सो, ही इज देयर विद हिज डिवोटीज। So the offender is devotee, the offendee is devotee. So Krishna balances very nicely. So Brahma ji कहते हैं चतुष्कुमारों को ये सब कुछ समझ में ही नहीं आया, भगवान आए हमारा गुणगान किया, हमको ऐसे चढ़ाया जैसे हम कहां से आए पता नहीं। So why does Krishna do like this? So the Chatushkumaras are confused. And what happens next, we will see tomorrow. Brahma ji kya kehte hain? Why the Kumaras were not satisfied and what the Kumaras could not comprehend. To aaj ke liye hum yahin par apne kathan ko samapt karenge. Aap sabhi ka bahut bahut dhanyawad hamare saath bane rehne ke liye. Shrila Prabhupada ki jai, Granthraj Srimad Bhagavat ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.